मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, पर तुम्हारा ओमनीट्रिक्स छीनने के बाद अल्टीमेट्रिक्स, जो भी हो तो सौदा पक्का। इससे मेरा क्या फायदा होगा, मेरे पास इसके लिए वक्त नहीं है। कमांड फंक्शन ओवरराइड, कोड 10 ओवरराइड मंजूर। हे, पता है ये मेरी आवाज पहचानता है। रुको, आखिर तुम कर क्या रहे हो? ओमनीट्रिक्स 30 सेकंड्स में अपने आप फटेगा। कमांड कोड 000, फट जाओ 0। फटने का सीक्वेंस पूरा हुआ और प्रक्रिया शुरू। ये फट जाएगा T-30 सेकंड्स में। तुम झूठ बोल रहे हो, विलगैक्स से पूछो ये झूठ है या सच। मुझे पहले वाला ज्यादा पसंद था। फटने की प्रक्रिया रुको, कोड 10। फटने की प्रक्रिया रुक गई है। हरी आंखें, बेन? डेनिसन, मुझे याद किया? तुम और ग्रैंडपा कंट्रोल रूम में जाकर इस शिप को उल्टा मोड़ दो। मुझे थोड़ी मदद की जरूरत है। केविन, मेरा साथ दोगे? हम सब एक दूसरे का साथ देंगे। ये तो गड़बड़ हो गई, हम दोबारा एंट्री ले रहे हैं। तुम हार रहे हो टेनिसन, हो सकता है, मगर हमारे हीरो के पास कुछ एक्स्ट्रा है। जवाब दो। जैसा कि मैंने कहा, मेरे पास पैसे नहीं थे और घर भी नहीं, लेकिन मेरे पास एक पुराना सब स्पेस कम्युनिकेटर था, तो मैंने उससे परफॉर्मेंस ढूंढना शुरू कर दिया जो मेरे शो को थोड़ा वजन दे सकते थे। नेक्स्ट। यहां तुम्हें जो दिख रहे हैं वो विनर्स हैं, मतलब अच्छे एक्टर्स हैं। ये अल्टीमेट्रिक्स बस एक बड़ा सा स्ट्रोब लाइट है। उसके और धुएं के बीच उसने ऑडियंस को इतनी देर के लिए अंधेरे में रखा कि एलियंस आकर निकल सकें। और एक बात बताओ, तुम ये शो कब से कर रहे हो? जब से मैं विलगैक्स की शिप से भाग निकला, मैंने हर सेकंड क्लास रिजॉर्ट, होटल और मेले में शो किए हैं। एक रात रहता था, अगले दिन निकल जाता। पर अब तुम वो सब बंद कर दोगे, राइट? क्या, और शो बिजनेस छोड़ दूं? ओह, तुम्हारी हड्डियां तोड़ने का मन करता है। ओह, पर इसकी क्या जरूरत? जरूरत क्या है, मैं बताता हूँ जरूरत क्या है। एल्बिडो ने कितनी बार ओमनीट्रिक्स या अल्टीमेट्रिक्स चुराया है, या फिर तुम्हें किडनैप किया है, या फिर मुझे मारने की कोशिश की है, और अब वो फिर से आ गया है मुझे लूटने के लिए। मेरा चेहरा इस्तेमाल करके लोगों को बेवकूफ बनाता है और इस झूठे शो के जरिए उनके पैसे भी चुराता है। भड़ास निकाल दी? थोड़ा बहुत। बेन, अगर तुम्हें बेन 10 लाइव बंद करवाना है तो ठीक है, मेरे पापा एक लॉयर हैं, उन्हें संभालने दो। हाँ, पर मुझे भी ये पसंद नहीं है, पर अब अल्बिडो से कोई खतरा नहीं है, ये बस एक सिरदर्द है। फिक्र करने की जरूरत नहीं, आज का हमारा शो आखिरी शो था। क्या? लेकिन फिर वो मेरा, मैंने कहा ना, आखिरी शो था। ठीक है, लेकिन ऐसी हरकत दोबारा करोगे तो हम कोर्ट में मिलेंगे। हाँ, वही। मुझे अब भी लगता है उसकी पिटाई करनी चाहिए थी। क्यों एनर्जी बर्बाद करें, तुम जीते वो हारा,
कहा। इसी ने तो कल रात मुझ पर हमला किया था। अब वक्त है बदले का। बिना हथियार के तो हमें झटके में मारे जाएंगे। अगर कभी मेरी नहीं हो सकती तो तुम्हारी भी नहीं हो सकती इंसान के बच्चे। पीछे हटो बदबूदार एलियन। एक पेट्रोस सेबियन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दूल्हे का दोस्त हूँ। और इसीलिए मेरे दुश्मन। सॉरी मैडम, मुझे लगा वो बदबूदार एलियन है। गंदा काम। ये काम तो गंदा था मगर किसी को तो करना ही था। मेरी शादी किसी हाल में कैंसिल नहीं होगी। कल शादी में आम लोग भी आने वाले हैं। अगर एक और एलियन हमला हुआ तो क्यों ना आप इसे पोस्टपोन करके समर के बाद रख लें? तब तक आप कोई और अंगूठी पकड़ने वाला ढूंढ सकते हैं। कम से कम हमें प्लम्बर वाला सामान तो लाने दो। नहीं नहीं, हथियार बिल्कुल नहीं। तुम केविन हो? सोचते रहो लूजर। हेलो बेटे। हे डैड। तुम केविन के बेटे हो? ये बिल्कुल मेरी ही तरह है ना? हाँ बेंजी। ये बेन नहीं है, ये उसका बेटा केनी है। तुम जानते भी हो तुमने क्या किया है? डैड, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। रुको, अपने प्यारे दोस्त बेन से बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? Hey, मुझे पता है, मैं उसके बेटे को चोट पहुंचाऊंगा। केविन, तुम्हें इसका हिस्सा बनने की जरूरत नहीं है। तुमसे गलती हो गई, ठीक है, पर तुम उसे ठीक कर सकते हो। तुम इसे मेरे लिए आसान बना रहे हो, है ना? जान नहीं कहूंगा। मेरे ख्याल से मेरा परिवार आपस में बन गया है। ओ बेन, तुम हमेशा से मुझसे ज्यादा स्मार्ट थे, या मेरे ख्याल से मैं तुमसे ज्यादा स्मार्ट। केविन! और मेरे ख्याल से तुम मेरे बेटे से मिल चुके हो। डेविलिन, शायद मुझे तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए। इतने वक्त तक नल वर्ल्ड में रहकर मैंने वहां मौजूद बाकी एलियंस से कुछ चालें सीखी हैं।
10,000